नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो जितनी भी आप हेल्थ की YouTube की वीडियो देखते हैं, किसी भी चैनल की हो चाहे, उसमें से बेस्ट वीडियो है ये। इस वीडियो को सभी को देखना चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए। तो बिना स्किप किए हुए प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा। आपको अच्छी जानकारी ना मिली तो आप चाहे चैनल की कोई वीडियो नहीं देखेंगे, लेकिन अगर आपको सटीक जानकारी मिलती है इसे ज़रूर शेयर कीजिए लोगों के साथ। अंत तक बने रहिए, फिर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को सटीक और सही जानकारी और सही लाभ मिले। इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि गर्म पानी का सेवन किसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करनी चाहिए, तो कौन कौन सी बीमारी हमारे शरीर से दूर होगी, साथ ही साथ गुनगुने पानी का सेवन कब, किसे और क्यों करना चाहिए, क्या लाभ होता है, और ठंडे पानी का सेवन कब, किसे और क्यों करना चाहिए, क्या लाभ होता है। साथ ही साथ एक टिप्स हम आपको बताएंगे अंत में, जो कि बेस्ट होगा किसी भी औषधि के गुण को बढ़ाने के लिए। यानी कि कुछ भी खा रहे हैं उसके गुण को दुगना करना चाहते हैं, उसके पौष्टिकता को दुगना करना चाहते हैं, तो ये औषधि बेस्ट औषधि के रूप में कार्य करेगी। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं गर्म पानी पर। जी हाँ, गर्म पानी का सेवन उन लोगों को करना चाहिए जिनको कफ प्रकृति के रोग हों, यानी कि बलगम होता हो, खांसी होती हो, दमा होती हो, या सर्दी जुकाम की जिनको समस्या रहती है, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट और रामबाण इलाज है कि सुबह जगते ही बिल्कुल गर्म पानी पीजिए। गर्म कितना, पानी को उबाल दीजिए, इसके बाद चाय की तरह से आप कप में लेकर के पीजिए, आपके शरीर से पसीना तक निकलेगा और कफ प्रकृति के जितने रोग हैं वो सुबह सुबह सबसे ज्यादा सताते हैं, तो इससे आपको मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी कुछ ही दिनों में। दूसरी बात, गुनगुने पानी का सेवन किसको करना चाहिए, कफ प्रकृति के लिए गर्म पानी हो गया, गुनगुना पानी उन लोगों को पीना चाहिए जिनको वात प्रकृति के रोग होते हैं। वात प्रकृति के रोग क्या होते हैं, जैसे कि शरीर के जोड़ों में दर्द होना, अर्थराइटिस, गठिया वगैरह की शिकायत हो, जिनको शिकायत हो पेट साफ ना होता हो, कब्जियत की शिकायत रहती हो, पेट में गैस बनता हो, गैस के गोले बनते हों, मोटापा बढ़ रहा हो, इन सभी लोगों को किस चीज़ का सेवन करना चाहिए, गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। गुनगुना पानी कितना सेवन करेंगे, जैसे कि गर्म पानी तो आपने एक ग्लास कर लिया या एक कप कर लिया, चाय की तरह से आपके लिए कार्य कर देगा, लेकिन गुनगुने पानी का सेवन उतना करना चाहिए जितना कर सकें। सुबह सुबह कीजिए इन दोनों पानियों का सेवन, सुबह सुबह बेस्ट है, आपके लिए रिजल्ट देगा। अगर कफ प्रकृति के रोग हैं तो गर्म पीजिएगा, अगर आपको वात प्रकृति के रोग हैं तो आप गुनगुने पानी का सेवन कीजिएगा। अब बात करते हैं ठंडे पानी का सेवन कब, किसे और क्यों करना चाहिए। तो जिनको पित्त प्रकृति के रोग होते हैं, शरीर में तीन ही चीजों के गड़बड़ी से रोग होते हैं, कफ, पित्त, वात, जी हां, तो दो का हमने बता दिया, पानी से ही आप इलाज कर सकते हैं, समझिए। तो जिनको भी पित्त प्रकृति के रोग हैं, जैसे कि खट्टी डकारें आना, खाना सही से हजम ना होना, शरीर में गर्मी बने रहना, हाथ पैरों में गर्मी होते रहना, ये सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ठंडा, मतलब ध्यान रखिएगा हम कभी भी फ्रिज के पानी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल सादा पानी को ठंडा कह रहे हैं, इस पानी का सेवन करना चाहिए। हाँ, घड़े का पानी आप सेवन कर सकते हैं, वो ठंडा बेहतर है आपके लिए, फ्रिज के पानी की हम बात नहीं कर रहे हैं, बस आप नॉर्मल पानी पीजिए। इससे आपके शरीर को क्या लाभ होगा, तो जितने भी आपके पित्त प्रकृति वाले रोग होते हैं वो जड़ से समाप्त हो जाएंगे। तो जिनको भी पित्त प्रकृति के रोग हैं उनको सेवन करना चाहिए ठंडे पानी का, नॉर्मल पानी का। अब ये तीनों बीमारी किसी को हो, यानी कि तीनों की गड़बड़ी किसी के शरीर में हो जाए, कफ, पित्त और वात की, तो उनको क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को सुबह सुबह गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, बिल्कुल गर्म पानी चाय की तरह से पी लिया आपने, इसके बाद थोड़ी देर बाद आपको जब भी पीना है गुनगुने पानी का सेवन कीजिए, रात में गुनगुने पानी का सेवन कीजिए और दोपहर में ठंडे पानी का सेवन कीजिए। ऐसे लोगों को दोपहर में ठंडे पानी का सेवन करना चाहिए, यानी कि सुबह के 10 बजे से लेकर के 11 बजे से लेकर के और शाम के 2-2.5 बजे तक सादा पानी, ठंडा पानी, और बाकी टाइम पर गुनगुना पानी और सुबह सुबह गर्म पानी। आप देखेंगे आपके शरीर का कफ, पित्त, वात जो है बैलेंस हो जाएगा, और जिसके शरीर का कफ,
पित्त वात बैलेंस रहेगा, वो बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। आयुर्वेद में कितना गहरा अनुसंधान है समझिए, आज के डॉक्टर्स भी यही कहते हैं। बस हाँ, पानी के नियमों को थोड़ा सा और समझ लीजिए डिटेल्स में, आपको संक्षेप में ही हम बता देते हैं, लेकिन पालन कीजिएगा। विस्तृत रूप में हमने इस चैनल पर दूसरे एपिसोड में बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो वो देख लीजिएगा, लेकिन हम आपको संक्षेप में यहाँ भी बता देते हैं। खाना खाने से 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद में ही पानी का सेवन कीजिएगा। पानी का जब भी सेवन कीजिएगा, बैठ करके सेवन कीजिएगा, सो करके या खड़े होकर के मत कीजिएगा। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात, पानी को जब भी सेवन कीजिएगा घुट घुट करके कीजिएगा। एक लगातार ना पी करके एक घुट मुंह में लिया आपने, उसका सलाइवा जो है मुंह का आपका, यानी कि लार जो होती है मुख में, उसको पानी में मिलने दिया, फिर उसको निकला आपने, इस प्रकार से पीजिएगा। कभी भी पानी को गटगटा करके मत पीजिएगा, आपके लिए बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आप अनेकानेक बीमारियों को आप जितना सोच नहीं सकते हैं उतनी बीमारियों को शरीर से दूर कर पाएंगे, तो ये तरीका जरूर अपनाइएगा, ये पानी का नियम है। आइए अब बात कर लेते हैं इस बात पर कि वाटर जो होता है, यानी कि पानी जो होता है, ये गुणग्राही होता है। गुणग्राही क्या होता है, यानी कि जिस चीज को इसमें मिलाओगे उसके गुण को पानी ले लेता है अपने अंदर। और दूसरी चीज जो है शहद है, जी हाँ, ये बेस्ट एंटीबायोटिक औषधि है, और ये ऐसी औषधि है जो गुणवाही है, यानी कि जिस चीज के साथ मिलती है उसके गुण को दुगना कर देती है। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो आप ध्यान रखिए, ठंडे पानी में अगर शहद मिला करके पियेंगे तो जो आपके पित्त प्रकृति के रोग हैं वो दुगनी तेजी से खत्म होने लगेंगे। गुनगुने पानी में मिला देंगे, वात रोग दुगनी प्रकृति से खत्म होने लगेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे हम गर्म पानी के लिए भी यही कहेंगे, तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। पानी में, गर्म पानी में कभी भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, शहद वर्जित होता है, यह आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने लगेगा। शहद कभी भी जम जाए तो उसको गर्म मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, गर्म नहीं करना चाहिए पिघलाने के लिए, यह दोष रहित नहीं रहता है, तब यह दोष युक्त हो जाता है और आपके शरीर को लाभ की जगह पर नुकसान पहुंचाने लगता है, आप बीमार होने लग जाएंगे। तो शहद को फिर कहेंगे पिघलाएं कैसे, तो इसके लिए क्या कीजिए, शहद को पिघलाने के लिए कि पहले पानी उबाल लीजिए और उसमें उस पात्र को डाल दीजिए जिसमें आपने शहद रखा है, वो धीरे धीरे घुल जाएगा, उसका प्रयोग कीजिए। लेकिन कभी भी आपको डायरेक्ट आग पर उसको गर्म नहीं करना होता है और बहुत गर्म पानी में नहीं डालना होता है, गुनगुने पानी में शहद का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, कफ प्रकृति के रोग हैं तो आप क्या कीजिए कि ठंडे पानी क्या नहीं बल्कि गर्म पानी का सुबह सुबह केवल सेवन कर लीजिए। शहद को सुना होगा आपने, चाटने को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये है ही कमाल की औषधि, हर औषधि के गुण को दुगना कर देती है, इसीलिए इसको साथ में शहद चाटने का नियम बता करके कहा गया है। ये ऋषियों मुनियों का हजारों साल पहले का अनुसंधान है जो कि कमाल का अनुसंधान है, और ये अनुसंधान हम सोचते हैं कि सभी तक जरूर पहुंचना चाहिए, और इसके लिए बेस्ट माध्यम कौन है, आप हैं। जी हाँ, आप जब वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, भाई बहन, मित्रों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, जिनकी कामना करते हैं आपकी वो स्वस्थ रहें, सुंदर रहें हमेशा, उनके साथ, तो उनका जीवन भी बेहतर बनेगा, उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठेगा, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, तो हर क्षेत्र में तरक्की कर पाएंगे। तो इसलिए आज आपसे इतनी अपेक्षा हम जरूर रखते हैं कि आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें बहुत खुशी होती है जब भी आप वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं, तो जरूर कीजिए। और ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिलहाल अब आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में एक बेस्ट नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।